हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल विकास 31 टेक में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि यूट्यूब पर आप यूट्यूब चैनल बनाकर उससे लाखों रुपए महीने के कमा सकते हैं, वैसे ही आप फेसबुक पेज बनाकर उससे भी आप महीने के लाखों रुपए अर्न कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप अपने लिए एक फेसबुक पेज कैसे क्रिएट कर सकते हैं। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, इसलिए वीडियो को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, पहली बार मेरे चैनल के ऊपर आए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके उसे ऑल पे सेट कर लें, जिससे आपको मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे फेसबुक की जो एप्लीकेशन है उसको ओपन कर लेना है। फेसबुक एप्लीकेशन आप ओपन कर लेंगे तो आपके सामने इस तरीके से होम पेज आ जाएगा। आप देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे रिफ्रेश भी कर देता हूँ, ये होम पेज आ गया। उसके बाद आपको यहाँ पे राइट साइड में 3 लाइन्स दिखाई देंगी टॉप राइट में, ठीक है, जहाँ पे यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे पेजेस का एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा। आपको नया पेज कैसे क्रिएट करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पे एक पेज बना हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पेजेस के ऊपर क्लिक करूँगा। पेजेस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने आप देख सकते हैं काफ़ी सारे ऑप्शन आ गए, क्रिएट, डिस्कवर, इनविटेशन। तो हमें नया पेज क्रिएट करना है, तो उस पेज को क्रिएट करने के लिए हमें क्रिएट पे क्लिक करना है। तो मैंने क्रिएट पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट योर पेज, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से लिखा हुआ है, यहाँ पे गेट स्टार्टेड के ऊपर हमें क्लिक करना है। यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे मैंने क्लिक किया। आप सबसे पहले आपको अपने पेज का नाम रखना है। जैसे आप यूट्यूब चैनल बनाते समय अपने पेज का नाम यूनिक ढूंढते हैं, छोटा ढूंढते हैं और आसान सा ढूंढते हैं, वैसे ही आपको यहाँ पे भी अपने YouTube चैनल का नेम रखना है। तो मैं यहाँ पे आपको सिखाने के लिए, जैसे मान लीजिए मेरी टैग की कैटेगरी है, टैग कैटेगरी का मैं चैनल बनाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे अपना पेज का नाम जो है वो टैग के नाम से रखूँगा। जैसे मैंने अभी आपको सिखाने के लिए यहाँ पे टैग विकास, जैसे मैंने रख लिया टैग विकास, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब मैंने अपनी कैटेगरी को पहले ही सिलेक्ट कर लिया कि मैं टेक्नोलॉजी की वीडियोस बनाऊंगा। आप जिस कैटेगरी की वीडियो बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से अपने चैनल का नाम रख लें, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट कैटेगरी बेस्ट डिस्क्राइब टेक विकास, मतलब कौन सी कैटेगरी इस पेज को बेस्ट डिस्क्राइब करती है, मतलब किस कैटेगरी की वीडियोस आप इस पे अपलोड करेंगे। तो वो कैटेगरी आपको यहाँ से सिलेक्ट करनी है। मान लीजिए आप कुकिंग की बनाते हैं, या क्रिकेट की है, एंटरटेनमेंट है, या फिर टेक का चैनल है आपका, तो उस तरीके से आप यहाँ पर ले सकते हैं। जैसे अब मैंने टेक का डाला हुआ है, तो मैं यहाँ पर डिजिटल क्रिएटर डाल सकता हूँ। यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं डिजिटल, यह खुद ही आ गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो आप जिस भी कैटेगरी की वीडियोस बनाना चाहते हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। जैसे मैंने यहाँ पे डिजिटल क्रिएटर कर लिया, और भी कोई कैटेगरी की वीडियो डालना चाहते हैं या फिर और भी कैटेगरी की वीडियोस आपकी कैटेगरी में आती हैं, तो यहाँ से और भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको क्रिएट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है नीचे, आपको क्रिएट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा, जहाँ पे आपसे बोलेगा कि बायो लिख सकते हैं आप, अपने पेज के बारे में बताएं कि ये क्या है, ठीक है, इसके बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो बायो में यहाँ लिख सकते हैं आप, अपने पेज का इंट्रो लिख सकते हैं, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि दिस इज़ माई ऑफिशियल चैनल, यहाँ पर आप लिख सकते हैं दिस इज़ माई ऑफिशियल पेज, ऑफिशियल यहाँ पे लिख सकते हैं आप, ठीक है, ऑफिशियल पेज, एंड आई एम पोस्टिंग, या आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि इन दिस पेज आई विल पोस्ट वीडियोस अबाउट टेक्नोलॉजी, ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। और फिर लिख सकते हैं प्लीज़ फॉलो माय पेज,
इस तरीके से आपको लिख देना है यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने आपको बस सिखाने के लिए लिख दिया कि आपको अपने पेज के बारे में कुछ इस तरीके से लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे कंटेंट का ऑप्शन आता है, यहाँ पे आप वेबसाइट डाल सकते हैं अगर आपकी कोई वेबसाइट है, यहाँ पे आप ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं, फ़ोन नंबर डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लोकेशन आती है, आप अपना एड्रेस यहाँ पे फिल कर सकते हैं, टाउन सिटी यहाँ से डाल सकते हैं आप, पोस्ट कोड आपका जो पोस्टल कोड है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आवर्स आ गए कि आप कि जो आपके लोकेशन है वहाँ पे किस आवर्स पे आप अवेलेबल होंगे, आप 24 आवर्स एवरी डे होंगे तो ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड आवर्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ये सब कुछ आप फिलअप कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते, जो इंपॉर्टेंट है आप वो कर सकते हैं, जैसे बायो कर दें, ठीक है। ईमेल एड्रेस डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अगर आपका कोई वैसा है प्रोडक्ट बेचने वाला सेल वाला पेज है तो आप अपने सब कुछ यहाँ पर डालें, एड्रेस डालें, अपना फ़ोन नंबर डालें, सिटी टाउन सब कुछ डालें और ये ऑलवेज़ ओपन, स्टैंडर्ड आवर्स भी अपने सेलेक्ट कर लें, ठीक है। वो सब आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे लिखा रहा है कस्टमाइज़ योर पेज, ठीक है। योर प्रोफाइल पिक्चर वन ऑफ द फर्स्ट थिंग डैट पीपल सींग, ट्राई यूजिंग योर लोगो और सिंपल इमेज डैट पीपल कैन ईजली एसोसिएट विद यू। यहाँ पे अब आपको अपना प्रोफाइल फ़ोटो लगानी है और यहाँ पे पीछे बैकग्राउंड में आपको जैसे कवर फ़ोटो आप वहाँ पे लगाते थे चैनल पे, वैसे ही आपको यहाँ पे लगाना है। यहाँ पे आप अपना लोगो भी लगा सकते हैं और अपनी प्रोफाइल फ़ोटो भी लगा सकते हैं। अब सिंपल आप यहाँ पे कैमरे का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करके अपनी कोई प्रोफाइल फ़ोटो यहाँ लगा सकते हैं। तो मैं जल्दी से यहाँ पे एक प्रोफाइल फ़ोटो इंसर्ट कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे प्रोफाइल फ़ोटो लगा दी है। इसी तरीके से आपको पीछे कोई बैकग्राउंड में कवर फ़ोटो लगा देनी है कैमरे पे क्लिक करके, तो मैं वो भी लगा के दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको सिखाने के लिए अपनी फ़ोटो लगा दी पीछे भी, ठीक है। इस तरीके से आप अपनी यहाँ पे फ़ोटोज़ लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एडिट एक्शन बटन का आपको ऑप्शन मिल रहा है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। एडिट एक्शन बटन पे आप यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने एक्शन बटन को। इसमें आप अपना यहाँ पे ट्राई इट पे क्लिक करेंगे। ट्राई इट पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आप काफ़ी सारी चीज़ें, मैसेज के थ्रू आप बात करना चाहते हैं अपने कस्टमर से या फिर व्हाट्सएप मैसेज पे करना चाहते हैं, कॉल, सेंड, ईमेल, यहाँ पे कोई भी आप एक्शन बटन यहाँ पे लगा सकते हैं, चाहे मैसेज का लगाएं, व्हाट्सएप कॉल का लगाएं, ईमेल का लगाएं, ठीक है। इस तरीके से लिंक टू योर ग्रुप और ऐप यहाँ पे लिंक भी कर सकते हैं आप काफ़ी सारी चीज़ों को। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको इसे सेव कर देना है। एक्शन बटन आपका सेव हो गया, ठीक है, मैसेज के थ्रू हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करके आपको इसे स्किप कर देना है, चाहे तो फ़ोन नंबर डालें या फिर स्किप कर दें, तो मैं स्किप कर दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट करूंगा। फिर से यहाँ पे आपसे पेज नोटिफिकेशन पूछ रहा है कि आपको अपनी प्रोफाइल पे नोटिफिकेशन चाहिए पेज के या नहीं, तो मुझे चाहिए इसलिए नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो नेक्स्ट करने के बाद आपका जो पेज है वो क्रिएट हो जाएगा। आपको मैं यहाँ पे दोबारा से दिखा देता हूँ, यहाँ पे रिफ़्रेश करेंगे, ठीक है। यहाँ पे होम पे आ जाएंगे, दोबारा से रिफ़्रेश करेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे थ्री लाइंस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे और हम पेज इसके अंदर जाएंगे और आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो पेज है वो यहाँ पे क्रिएट हो गया है। कैसा दिखाई देगा आप देख सकते हैं, इस तरीके से आपका पेज दिखाई देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने फेसबुक पेज को क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने आपको सब कुछ सिखा दिया है। तो फ्रेंड्स, अब आप सीख गए होंगे कि आप किस तरीके से अपना खुद का फेसबुक पेज क्रिएट कर सकते हैं, उस पर वीडियोज़ अपलोड करके आप लाखों रुपए महीने के कमा सकते हैं। अगर फिर भी वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।